फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या है? फूड माइक्रोबायोलॉजी देखो, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को ही माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो व्हाट इज फूड माइक्रोबायोलॉजी? फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या है? देखो, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी फूड को स्पॉइल करे, उसको खराब करे, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अध्ययन को कहते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज फूड माइक्रोबायोलॉजी? फूड माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग द स्पॉइलेज ऑफ फूड, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, चार शब्दों की डेफिनेशन है। व्हाट इज फूड माइक्रोबायोलॉजी? फूड माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फूड। जब कोई सूक्ष्म जीव किसी खाद्य पदार्थ को खराब करता हो, ऐसे सूक्ष्म जीव के अध्ययन को ही फूड माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं फूड की, टाइप ऑफ फूड की, किस बेसिस पर कि कौन सा फूड कितनी जल्दी खराब होता है। द टाइम टेकन फॉर द स्पॉइलेज, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइम टेकन फॉर द स्पॉइलेज देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फूड। कौन सा फूड खराब होने में कितना समय लेता है, उस आधार पर तीन प्रकार के फूड होते हैं। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉइलेज टाइम। कौन सा फूड कितनी जल्दी खराब हो रहा है, कितनी जल्दी स्पॉइल कर रहा है, उस बेसिस पर तीन प्रकार के फूड हमको पढ़ना है। एक होता है नॉन पेरिसेबल, ठीक। दूसरा होता है सेमी पेरिसेबल, और तीसरा होता है पेरिसेबल। देखो, नॉन पेरिसेबल को हम स्टेबल फूड भी कहते हैं, ये तो नाम से समझ में आ रहा है। नॉन पेरिसेबल फूड मतलब जो कभी भी खराब नहीं होते, दे नेवर स्पॉइल्ड अंटिल हैंडल केयरलेसली। अगर आप इनको खराब करना ना चाहो तो ये फूड कभी भी खराब नहीं होंगे। अगर आप खराब करना चाहते हो तो फिर कोई भी फूड खराब हो सकता है, जैसे कि शुगर। आपके घरों में शक्कर होगी, अगर आप शक्कर को खराब ना करना चाहो तो शक्कर अपने आप कभी भी खराब नहीं होगी। अगर आप मान लो किसी शक्कर को, शुगर को किसी ओपन जार में, किसी खुले बर्तन में ऐसे रख दो तो उसमें इंसेक्ट लग जाएंगे, उसमें चींटियां लग जाएंगी, या आप उस शक्कर को बाहर धूप में रख दो, सनलाइट में रख दो, तो वो शक्कर खराब हो जाएगी। अगर आप जानबूझकर उसे खराब करना चाहते हो तो ही वो फूड खराब होगा, नहीं तो अपने आप वो फूड खराब नहीं होगा। ऐसे फूड को कहते हैं नॉन पेरिसेबल फूड, दे डू नॉट स्पॉइल अंटिल हैंडल्ड केयरलेसली। और देखो, सॉल्ट, नमक, अगर आप चाहो तो नमक को खराब कर दो, नहीं तो नमक अपने आप कभी खराब नहीं होगा। और देखो, फ्लोर, आटा, ये भी अपने आप खराब नहीं होता, अगर आप अच्छे से हैंडल करोगे तो, प्रॉपर स्टोरेज करोगे तो। ड्राई बीन्स, सूखी दालें, ये भी खराब नहीं होंगी अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से हैंडल करोगे, प्रॉपर तरीके से स्टोरेज करोगे तो। तो कुछ फूड होते हैं जो कि नॉन पेरिसेबल होते हैं, स्टेबल, जो कभी खराब नहीं होते। एक होते हैं सेमी पेरिसेबल। सेमी पेरिसेबल फूड वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही सही रहते हैं, अगर आप उनका प्रॉपर स्टोरेज करते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही उनको आप जीवित रख सकते हो, उसके बाद फिर वो स्पॉइल होंगे ही होंगे। मतलब सेमी पेरिसेबल फूड वे फूड होते हैं जो कि आप लंबे समय तक उनको आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए स्टोर नहीं कर सकते। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम बाद ऐसा समय आएगा कि आप कितना भी अच्छा स्टोरेज कर लो, वो खराब होगा ही होगा। मतलब अपनी सेल्फ लाइफ कंप्लीट करने के बाद वो फूड खराब होगा ही। उनको कहते हैं सेमी पेरिसेबल फूड, लाइक पोटैटो। पोटैटो को आप स्टोर कर सकते हो, कोल्ड स्टोरेज में करो, घर में रेफ्रिजरेटर में रखो, लेकिन कब तक स्टोर करोगे? एक समय ऐसा आएगा जब ये पोटैटो खराब हो ही जाएगा, इसे आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। ऐसे फूड को कहते हैं
सेमी पेरिसेबल फूड। और देखो एप्पल, एप्पल भी अपने आप कभी ना कभी तो खराब होगा ही होगा, भले ही आप कितना भी अच्छा प्रिकॉशंस इसको दो, प्रॉपर स्टोरेज दो, फिर भी ये एप्पल कभी ना कभी तो खराब होना ही है। तो ये भी किसमें आएगा, सेमी पेरिसेबल में। और देखो पेरिसेबल फूड ये होते हैं डेली कंज्यूम फूड, ऐसे फूड जिनको आप 2 या 3 दिन से अधिक स्टोर करके नहीं रख सकते, उनको बोलते हैं पेरिसेबल फूड। मतलब ये ऐसे फूड हैं जिनको आप जल्द से जल्द कंज्यूम कर लो, इनको स्टोर करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मिल्क, मिल्क दूध ऐसा प्रोडक्ट है, मिल्क ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पेरिसेबल है, इसे आप स्टोर नहीं कर सकते। मुश्किल से मुश्किल आपको स्टोर करना है तो रेफ्रिजरेटर में आप इसे स्टोर कर सकते हो, वो भी 2 से 3 दिन तक, उसके बाद फिर वो खराब होना ही है। तो मिल्क इसमें आ गया, पेरिसेबल में आ गया। और देखो मीट, जो नॉन वेज है मीट, इसको भी आप स्टोर नहीं कर सकते, जल्द से जल्द खाना पड़ेगा। और फिश, इसके अलावा एग, अंडे भी आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। इसके अलावा वेजिटेबल्स, सब्जियां, ये भी आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, ये भी जल्दी खराब होती हैं। फ्रूट्स, इनको भी जल्द से जल्द आपको खाना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा, इनको आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। तो ये फ्रूट्स होते हैं कौन से, पेरिसेबल। तो ये 3 टाइप के हमने फ्रूट पढ़े, नॉन पेरिसेबल, सेमी पेरिसेबल और पेरिसेबल। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि वे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड को स्पॉइल करते हैं, जो फूड को खराब करते हैं। देखो फूड जो स्पॉइलेज है ये तो कई चीजों से होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही फूड का स्पॉइलेज करते हैं। फूड का स्पॉइलेज तो इंसेक्ट के द्वारा भी होता है, फूड का स्पॉइलेज तो फिजिकल कंडीशन के द्वारा भी होता है, फूड का स्पॉइलेज तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के द्वारा भी होता है। लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, फूड माइक्रोबायोलॉजी, इसलिए हमको मेन फोकस किस पर करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, कि वे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड स्पॉइलेज करते हैं। देखो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, एक है आपका बैक्टीरिया और दूसरा है आपका फंगस। इस फंगस में भी अगर हम बात करें, 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है आपका यीस्ट और दूसरा है आपका मोल्ड्स। ये 3 को ही आपको पढ़ना है। फूड माइक्रोबायोलॉजी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मेन 3 यही है, बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड। ये 3 ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फूड स्पॉइलेज करते हैं। अगर मैं ग्रोथ रेट की बात करूं कि फूड मटेरियल पर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा, तो उनका सीक्वेंस कुछ ऐसा है। सबसे ज्यादा तेजी से कौन ग्रो करता है, बैक्टीरिया, उसके बाद यीस्ट, उसके बाद मोल्ड। ये क्या है आपका ग्रोथ रेट, किसके ऊपर, फूड मटेरियल के ऊपर। फूड मटेरियल के ऊपर ग्रोथ रेट का सीक्वेंस क्या है, बैक्टीरिया, देन यीस्ट, देन मोल्ड। ये आप याद रखोगे, ठीक। जैसे कि मान लो ये एक ब्रेड पीस मैंने बनाया, ये क्या है, ब्रेड पीस, एक फूड मटेरियल है, ब्रेड पीस है, ठीक। इस ब्रेड पीस के ऊपर कौन अटैक करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ब्रेड पीस के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे या फिर इसको स्पॉइल करेंगे। तो वे कौन कौन से फैक्टर है जो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे, वे फैक्टर हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। हमें क्या पढ़ना है, ऐसे कारक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो उन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को प्रभावित करें। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो फूड मटेरियल पर ग्रो हो रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द फूड मटेरियल। तो वे फैक्टर कौन कौन से हैं, व्हाट आर दीज फैक्टर, वे फैक्टर को हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। अगर वे कौन कौन से फैक्टर हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं फूड मटेरियल के ऊपर। तो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की अगर हम बात करें तो हमने उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक इंट्रिंसिक फैक्टर और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर की।
और इंट्रिंसिक फैक्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे पीएच की। आप सभी जानते हैं पीएच क्या होता है। पीएच को डिफाइन करने की जरूरत यहां पर तो नहीं है, यहां तक मैं समझता हूं देयर इज नो नीड टू डिफाइन द पीएच इन दिस वीडियो, क्योंकि सब जानते हैं पीएच क्या होता है। तो पीएच कैसे अफेक्ट करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ। देखो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक तो मिनिमम लिमिट होगी पीएच की और एक उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी पीएच की, और उस मैक्सिमम, उस मिनिमम से मैक्सिमम तक की जो रेंज होती है उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम रेंज। ये हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होगा। जैसे कि मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए पीएच रेंज क्या है? बैक्टीरिया के लिए पीएच रेंज है 6 to 8, यानी कि मिनिमम कितना 6 और मैक्सिमम कितना 8। यानी कि अगर किसी फूड मटेरियल का मीडियम, उसका पीएच अगर 6 से कम है तो बैक्टीरिया वहां पर ग्रो नहीं करेगा। अगर उसका पीएच 8 से ज्यादा है तो बैक्टीरिया वहां पर ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर उसका पीएच 6 और 7 के बीच में है तो बैक्टीरिया वहां पर ग्रो करेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया की, सभी बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस यहाँ पर भी है। ये बात हो रही है इन जनरल, कॉमनली मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट विद इन द रेंज ऑफ पीएच 6 to 8। ज्यादातर जितने भी बैक्टीरिया है वे सभी 6 से 8 पीएच की रेंज में सबसे अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये लिमिट देखो कितनी बहुत कम है, अ वेरी लिमिटेड पीएच। मान लो कि अगर किसी फूड मटेरियल, कोई भी ऐसा फूड जो कि लो एसिडिक फूड हो, जैसे कि मान लो सॉफ्ट, जैसे कि मान लो सॉफ्ट ड्रिंक, मान लो जैसे कि फ्रूट, मान लो इनके पीएच जो होते हैं वो तो 4.5 से भी कम होते हैं। तो क्या इन सॉफ्ट ड्रिंक और इन फ्रूट्स के ऊपर या जिनके पीएच 4.5 या 6 से कम है वहां पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा? बिल्कुल। सॉफ्ट ड्रिंक और फ्रूट्स जो लो पीएच वाले जो हैं आपके, जो लो एसिड फूड हैं आपके, सॉरी लो नहीं, जो हाई एसिड फूड हैं आपके, उनके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है, याद रखना। क्योंकि बैक्टीरिया की पीएच रेंज क्या है? 6 से लेकर 8, एक लिमिटेड रेंज है, कोई वाइड रेंज नहीं है, बहुत ही छोटी, बहुत ही सकरी, बहुत ही नैरो लिमिटेड रेंज है 6 to 8। बस इसी रेंज में बैक्टीरिया काम करेगा। यानी कि जो लो पीएच वाले फूड है जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, फ्रूट्स हो गया, इन पर बैक्टीरिया का अफेक्ट नहीं होता। वहीं अगर मैं वेजिटेबल की बात करता हूं, वेजिटेबल का जो पीएच है वो फ्रूट से ज्यादा होता है, वेजिटेबल का जो पीएच है वो फ्रूट से ज्यादा होता है, इसलिए वेजिटेबल में बैक्टीरिया का कंटेमिनेशन भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्रूट। यानी कि अगर कोई पूछ ले कि वेजिटेबल और फ्रूट्स, सब्जियों और फलों में से सबसे ज्यादा बैक्टीरिया के लिए या बैक्टीरिया सबसे ज्यादा किस पर अटैक करेगा, तो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा अटैक करता है किस पर? वेजिटेबल पर एज कंपेयर टू फ्रूट। क्यों? बिकॉज द पीएच ऑफ वेजिटेबल इज मोर देन द फ्रूट। फ्रूट ज्यादा एसिडिक है और वेजिटेबल कम एसिडिक है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और कुछ एक्सेप्शन जैसे बताया था, कुछ होते हैं प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया जो प्रोटीन पर डिपेंड करते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं, ये प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं हाई पीएच पर। जितना ज्यादा पीएच, अगर पीएच आपका मान लो 8 से भी ज्यादा है तो ये प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया वहां पर काम करेंगे। ये तो बात हो गई बैक्टीरिया की। और देखो ईस्ट की बात कर लो, ईस्ट के लिए पीएच रेंज होती है 2 से लेकर 8.5 तक, 2 to 8.5, कितनी वाइड रेंज है। मतलब ईस्ट जो है वो पीएच 2, यानी कि 2 पीएच होना मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, और 8.5 मतलब अच्छा खासा एल्कलाइन हो गया, मतलब जी हाई एसिडिक कंडीशन और हाई एल्कलाइन कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है कौन? ईस्ट। और देखो मोल्ड्स, ये तो और भी ज्यादा माहिर है, मोल्ड्स का पीएच होता है 1.5 to 9, ये है सबसे ज्यादा वाइड रेंज। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है मोल्ड्स के ऊपर कि भाई ऐसे फूड मटेरियल जिनको बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों ही कंटेमिनेट ना कर पाए तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे कंटेमिनेट कर सकता है, वो है मोल्ड।
क्योंकि मोल्ड का पीएच रेंज क्या है, 1.5 से लेकर 9 तक, बहुत ज्यादा वाइड रेंज है। देखो आप खुद ही प्रैक्टिकली सोचो कि ऐसा कोई भी फूड मटेरियल नहीं है जिसका पीएच 1.5 से कम हो या उसका पीएच 9 से ज्यादा हो। भाई ऐसे फूड मटेरियल को हम खुद कंज्यूम नहीं करेंगे। अगर मान लो किसी फूड मटेरियल का पीएच 1.5 से कम है तो सोचो वो कितना एसिडिक होगा, क्या हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर किसी फूड मटेरियल का पीएच 9 से ज्यादा है मतलब सोचो वो कितना ज्यादा एल्कलाइन होगा, तो उसे भी हम कंज्यूम नहीं कर सकते। इन बोथ द कंडीशन व्हेन द पीएच इज लेस देन 1.5 और व्हेन द पीएच इज मोर देन 9, इन बोथ द कंडीशन द फूड मटेरियल इज अनसुटेबल फॉर द कंजप्शन फॉर ह्यूमन बीइंग और फॉर द एनिमल। हम लोगों के लिए इस तरह का फूड मटेरियल जिसका पीएच 1.5 से कम हो और 9 से ज्यादा हो वो अनसुटेबल है, उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए जितना भी फूड मटेरियल है, ऑल द फूड मटेरियल आर इन द रेंज ऑफ 1.5 टू 9। हमारा जितना भी फूड मटेरियल वो 1.5 से लेकर 9 के बीच में ही होगा, ना तो 9 से ज्यादा होगा ना ही 1.5 से कम होगा। मतलब हमारे सभी फूड मटेरियल पर मोल्ड अटैक कर सकता है। मतलब जिस फूड पर बैक्टीरिया अटैक नहीं कर सकता, जिस फूड पर यीस्ट अटैक नहीं कर सकता, उस फूड पर मोल्ड बड़ी आसानी से अटैक कर सकता है, उसको खराब कर सकता है। ठीक, तो ये तो बात हो गई इसकी पीएच की। तो पीएच बैक्टीरिया की ग्रोथ को किस तरह से अफेक्ट करता है वो हमने देख लिया। बैक्टीरिया के लिए अलग पीएच है, यीस्ट के लिए अलग है, मोल्ड्स के लिए अलग है। अब देखो नेक्स्ट फैक्टर क्या है। ये तो पीएच की बात हो गई, देखो नेक्स्ट फैक्टर है आपका रिडॉक्स पोटेंशियल। ये क्या होता है रिडॉक्स पोटेंशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। क्या होता है रिडॉक्स पोटेंशियल? देखो ये जो टर्म है ना रिडॉक्स, इसमें RED, इसका मतलब होता है रिडक्शन। क्या मतलब होता है इसका? रिडक्शन। और OX, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। एक का मतलब होता है रिडक्शन और एक का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स पोटेंशियल या कहो रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो। भाई रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर कहो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी बोल सकते हैं। या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो, किसी भी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या फिर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, इलेक्ट्रॉन निकाल दे अपने बाहर, तो उसे वो बोलेंगे क्या? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? भाई यहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? कोई ना कोई सब्सटेंस तो ऑक्सीजन निकाल रहा होगा। मतलब जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन का रिमूवल करे, ऑक्सीजन बाहर निकाले, तो उसे क्या कहेंगे? रिडक्शन। यहां से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा कहीं ना कहीं जाके तो ऐड होगा। मतलब जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसे बोलेंगे रिडक्शन। तो कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स पोटेंशियल। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अभी फोटोसिंथेसिस पर चर्चा नहीं कर रहे, अभी बस इतना ही समझो आप रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों चीजें होती हैं एक साथ, तब वहां पर होता है रिडॉक्स पोटेंशियल। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, मतलब वहां पर एक इलेक्ट्रिकल डिफरेंस क्रिएट होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। जैसे बैटरी के अंदर होता है ना, जैसे एक बैटरी के अंदर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं अपना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसलिए तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज बन जाता है। ठीक उसी तरह से यहां पर हो रहा है, कोई भी फूड मटेरियल जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और वो इलेक्ट्रॉन जहां जाकर एक्सेप्ट होगा तो वहां पर भी क्या होगा? एक रिडॉक्स पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, वहां पर क्या होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, उसी को कहते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल। और ये रिडॉक्स पोटेंशियल है इसको
ईएच से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है मिली वोल्ट। क्या होती है? मिली वोल्ट में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो इस रिडॉक्स पोटेंशियल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या लेना देना है? लेना देना है, बहुत जरूरी है। देखो, जितने भी फूड मटेरियल होते हैं, हर एक फूड मटेरियल का अपना रिडॉक्स पोटेंशियल होता है। ये जो रिडॉक्स पोटेंशियल है ना, ये रिडॉक्स पोटेंशियल डिपेंड करता है इस फूड के केमिकल कंपोजिशन पर, ठीक, और इसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर। इन दोनों पर डिपेंड करता है रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू, ईएच की वैल्यू। जैसे कि मान लो, वही एक एग्जांपल लेते हैं, ये मान लो एक ब्रेड का पीस है। किसका पीस है? ब्रेड पीस, फूड मटेरियल, ठीक है। ये ओपन कंडीशन में रखा हुआ है। ये कैसे रखा हुआ? ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन मतलब जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उस कंडीशन में रखा हुआ है। मतलब ये डायरेक्ट किसके कॉन्टेक्ट में है? ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में। मतलब इस ब्रेड पीस जो है वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में, मतलब जो ब्रेड पीस जो है वो ऑक्सीजन का यूज कर रहा है। तो जो ऑक्सीजन का यूज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होगा मतलब ईएच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। ईएच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। मतलब हर एक फूड मटेरियल का अपना एक रिडॉक्स पोटेंशियल होता है, चाहे वो नेगेटिव हो। किसी फूड का नेगेटिव होगा, किसी फूड का पॉजिटिव होगा। जैसे इसका हमने बताया क्या? पॉजिटिव। तो यहाँ पर बैक्टीरिया का क्या मतलब? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर कैसे ग्रो करेगा? देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक होते हैं एरोबिक और एक होते हैं एनारोबिक। ये आप सभी जानते हैं, दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक मतलब जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और एनारोबिक मतलब जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एरोबिक मतलब दोज ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर ऑक्सीजन, लाइक अपने एरोबिक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया, जैसे कि आपके बैसिलस, जैसे कि आपका सीडोमोनास, ये सब क्या है? आपके एरोबिक बैक्टीरिया है। दीज बैक्टीरिया रिक्वायर द ऑक्सीजन, दैट मींस दे रिक्वायर फॉर देयर ग्रोथ, रिडॉक्स पोटेंशियल इज पॉजिटिव। मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया है जिनको अपनी ग्रोथ के लिए रिडॉक्स पोटेंशियल कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। मतलब जिस फूड मटेरियल का रिडॉक्स पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, वहां पर ये बैसिलस और सीडोमोनास, ये एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे। यानी कि जैसे कि ये कंडीशन, एक ब्रेड पीस जब ओपन एयर में रखा हुआ है, दैट मींस वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है ऑक्सीजन के, तो उसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब उसका रिडॉक्स पोटेंशियल कैसा है? पॉजिटिव है। तो ये बैक्टीरिया यहाँ पर बड़ी ईजिली ग्रो कर जाएंगे और इसे खराब कर देंगे, क्योंकि इन एरोबिक बैक्टीरिया को या इन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रोथ के लिए रिडॉक्स पोटेंशियल चाहिए पॉजिटिव, जो कि उन्हें यहां मिल रहा है। ये है इंपॉर्टेंस किसका? रिडॉक्स पोटेंशियल का। ठीक, अब मान लो मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है। कैसे इसको प्रोटेक्ट करोगे? हाउ टू प्रोटेक्ट दिस फूड मटेरियल फ्रॉम स्पॉइलेज बाय दिस एरोबिक बैक्टीरिया? ये जो ब्रेड पीस है, इसका सराउंडिंग एनवायरमेंट चेंज करो। मतलब कि हमें इसका रिडॉक्स पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करोगे? सपोज इस ब्रेड पीस को मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूं, तो रेफ्रिजरेटर में रख दूं मैं, तो क्या होगा? इन रेफ्रिजरेटर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है। रेफ्रिजरेटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो जो रिडॉक्स पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो जब रिडॉक्स पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बैसिलस और स्यूडोमोनास फिर यहां पर ग्रो नहीं करेंगे। एक तरीका तो ये हो गया। और क्या तरीका है? इस ब्रेड पीस की मैं वैक्यूम पैकिंग कर सकता हूं। इस ब्रेड पीस को मैं वैक्यूम पैकिंग कर सकता हूं, ऐसे पैकेट में इसकी पैकिंग करूं जहां पर पूरा ऑक्सीजन निकाल दूं, पूरा एयर बाहर कर दूं, यानी वैक्यूम पैकिंग कर दूं। तो वैक्यूम पैकिंग कर दूंगा तो ऑक्सीजन भी हट जाएगा। ऑक्सीजन हट जाएगा तो इसका ईएच क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जब ईएच नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर ये सीडोमोनास और बैसिलस इसको स्पॉइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीडोमोनास और बैसिलस को कैसा ईएच चाहिए? पॉजिटिव। ये है इंपॉर्टेंस रिडॉक्स पोटेंशियल का, कि कैसे रिडॉक्स पोटेंशियल वर्क करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पर।
एनएरोबिक बात करें, एनएरोबिक मतलब जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जैसे कि एग्जांपल क्लॉस्ट्रिडियम। क्लॉस्ट्रिडियम ऐसा बैक्टीरिया है जिसको रिडॉक्स पोटेंशियल कैसा चाहिए, नेगेटिव। तो उस क्लॉस्ट्रिडियम से बचने के लिए हमें उस फूड मटेरियल का रिडॉक्स पोटेंशियल कैसा बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। ठीक, तो ये होता है अपना रिडॉक्स पोटेंशियल का इंपॉर्टेंस, कि कैसे रिडॉक्स पोटेंशियल माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। ठीक है, और देखो थर्ड, देखो न्यूट्रिएंट, भाई न्यूट्रिएंट से क्या मतलब है? मैं अपने कई वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सर्वाइवल के लिए, उनको जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, और एनर्जी। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर इट्स सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल के लिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, एनर्जी। और एनर्जी कहां से मिलेगी, फूड से। तो भाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी फूड मटेरियल को स्पॉइल कर रहा है वो क्यों स्पॉइल कर रहा है, टू गेट द फूड और टू गेट द एनर्जी। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो एक्चुअली उस फूड पर एनर्जी ले रहा है और वो फूड मटेरियल उस एक्टिविटी से स्पॉइल हो रहा है। ठीक, तो वो जो फूड मटेरियल है, वो फूड मटेरियल क्या हो सकता है, वो न्यूट्रिएंट क्या हो सकता है, वो न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वो न्यूट्रिएंट फैट हो सकता है, वो न्यूट्रिएंट प्रोटीन भी हो सकता है। भाई यही होंगे और क्या हो सकता है, या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी ले रहा है वो कार्बोहाइड्रेट से ले सकता है, हो सकता है वो फैट से ले, हो सकता है वो प्रोटीन से ले। कार्बोहाइड्रेट जो है वो की मोस्ट कॉमन सोर्स है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मोस्टली अपना एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। अब आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट भी तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो इस मोस्ट कॉमन वाली कौन सा आता है, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जैसे कि ग्लूकोज सबसे ज्यादा कॉमन सोर्स है एनर्जी का, तो मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लूकोज, वो भी मोनोसैकेराइड्स। कुछ है जैसे कि आपका डाइसैकेराइड्स में, जैसे कि हम बात करें लैक्टोज की, लैक्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड। तो इस लैक्टोज को हर एक बैक्टीरिया, हर कोई बैक्टीरिया इसको यूज नहीं करता एज एनर्जी सोर्स। कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जो लैक्टोज को एज एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। मोस्ट कॉमन सोर्स तो ग्लूकोज है, मोनोसैकेराइड। कुछ जैसे कि लैक्टोज डाइसैकेराइड है, इसके लिए पर्टिकुलर बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। कुछ जैसे कि सेलुलोज जो पॉलीसैकेराइड्स है, तो हर एक बैक्टीरिया सेलुलोज को एज एनर्जी सोर्स की तरह यूज नहीं करता, कोई स्पेसिफिक ही यूज करते हैं। जैसे कि फैट की बात करें, फैट को भी हर कोई बैक्टीरिया यूज नहीं करता, कुछ लाइपोलाइटिक बैक्टीरिया होते हैं। कौन से, लाइपोलाइटिक बैक्टीरिया, जैसे कि स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास लाइपोलाइटिक बैक्टीरिया है जो फैट को हाइड्रोलाइज करते हैं, फैट को तोड़ते हैं और अपने लिए एनर्जी बनाते हैं। एक बात और याद रखना, इस फैट के लिए जितने भी बैक्टीरिया है ना वो ज्यादातर एरोबिक होते हैं। कैसे एरोबिक, मतलब फैट को एज अ एनर्जी सोर्स यूज करने वाले जो बैक्टीरिया है वो मोस्ट ऑफ द कैसे होते हैं, एरोबिक। प्रोटीन के लिए प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, ये मार्कर भी फिनिश हो गए, प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया। प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया भी आपका स्यूडोमोनास ही है, प्रोटियोलाइटिक और लाइपोलाइटिक बैक्टीरिया एक ही होते हैं। मतलब वही बैक्टीरिया फैट को भी कंज्यूम कर सकता है, वही बैक्टीरिया प्रोटीन को भी कंज्यूम कर सकता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अभी तो पहले ये कंप्लीट होना, उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपका मिल्क का बताऊंगा कि मिल्क कैसे खराब होता है, मिल्क का स्पॉयलेज कैसे होता है, उसकी पूरी प्रोसीजर। मिल्क के स्पॉयलेज, जैसे कि आप जानते हो मिल्क के अंदर शुगर भी होती है, लैक्टोज शुगर होती है, मिल्क के अंदर प्रोटीन भी होता है, कैसीन प्रोटीन, मिल्क के अंदर फैट भी होता है, ट्राइग्लिसराइड, यानी कि वहां पर तीनों चीजों का कंजप्शन होगा, वहां पर लैक्टोज का कंजप्शन भी होगा, वहां पर प्रोटीन का कंजप्शन भी होगा, वहां पर फैट का कंजप्शन भी होगा। वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप मिल्क का स्पॉयलेज पढ़ लोगे तो आपको ये तीनों चीजें समझ में आ जाएंगी कि कैसे बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को एनर्जी सोर्स की तरह यूज करता है।
तो ये हमने तीन फैक्टर पढ़ लिए, अभी दो फैक्टर और है, इसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर भी है, तो वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है, लेंथी हो जाता है। ठीक है।